So, hello scholars, आप APS क्लास 7 जीके कर रहे थे। जीके की बुक का नेम था आपका जीके प्लैनेट और इसका हमने चैप्टर नंबर 37 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 38 जो कि है पेज नंबर 53 पर। बच्चे चैप्टर 38 का नेम है नेचुरल डिजास्टर्स। नेचर डिजास्टर मीन्स होता है हिंदी में अगर हम बोले आपदा, तो बेसिकली जो भी एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आता है जैसे अर्थक्वेक हो गया, हमारा सुनामी हो गया, है ना, इस तरह से जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, एक तो जान का खतरा होता है, दूसरी बात हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो रहती है, जान माल के भी बहुत नुकसान हो जाता है, लाइफ तो डैमेज होती है हमारी। तो इस तरीके की जो भी होता है गतिविधियां या फिर जो भी चलते रहते सर्कमस्टेंसेस, इसमें क्या कहलाता है, हमारे नेचुरल डिजास्टर आता है। द नेचुरल डिजास्टर इज अ नेचुरल एक्टिविटी दैट ऑकर सडनली, है ना, और एकदम से आती है एंड कॉज अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत लाइफ को भी लॉस होता है और प्रॉपर्टी भी लॉस होती है। लेट अस नो अबाउट सम डिजास्टर। तो कुछ ऐसे डिजास्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। तो सबसे पहला है मोल्टन रॉक्स एंड गैसेस कॉल्ड लावा केम आउट ऑफ द अर्थ थ्रू अ होल कॉल्ड वेंट। तो ये आपने देखा होगा कि लावा वगैरह निकलता है जमीन के अंदर से, तो वो क्या कहलाता है, ये लोग ये कहना चाह रहे हैं, तो वो होता है बच्चों वॉल्केनो। यहाँ पे हमें फर्स्ट लिखा हुआ है, देखो ये वन लिखा हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसको फिल आउट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, VOLCANO वॉल्केनो। अब बच्चों आप ये खुद से पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट इधर पे आपको फिल आउट करके बता रहा हूँ। आप सेकंड वाला ऑप्शन पढ़ेंगे ना, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन जो यहाँ पे ये है, तो इसको आपको क्या करना है, भरना है। तो ये जो आंसर हो जाएगा सेकेंड का वो ड्रॉट है, DROUGHT ड्रॉट, ठीक है। ड्रॉट मींस क्या होता है, नेचुरल कंडीशन व्हाइल द पर्टिकुलर रीजन रिसीव लो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन फॉर अ कपल ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर। मींस बारिश ही नहीं हो तो उसको ड्रॉट बोलते हैं, सूखा पड़ जाना। नेक्स्ट थर्ड वाला जो अगर हम ऑप्शन देखें तो देखो ये है ना, तो थर्ड वाले ऑप्शन का जो आंसर है वो लाइटनिंग है। लाइटनिंग मतलब बिजली तड़कना, LIGHTNING लाइटनिंग। फोर्थ पे आ जाओ, ये देखो ये है, ये अर्थक्वेक भूकंप, है ना, EARTHQUAKE अर्थक्वेक। फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ कहाँ पर है इसमें देखो जरा, ये है फिफ्थ, है ना, तो ये हरिकेन। क्या है हरिकेन, HURRICANE, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ए लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा हो गया फिफ्थ तक। अब सिक्स्थ कहाँ पर है, सिक्स्थ चेकआउट, ये देखो ये फ्लड। फ्लड क्या होता है, बाढ़ आ जाना, FLOOD फ्लड। अब आ जाते हैं सेवेंथ पे, ये सेवेंथ, ये सुनामी, है ना। सुनामी की स्पेलिंग S से स्टार्ट नहीं होती, T से होती है, TSUNAMI सुनामी। M लिखा हुआ है, ये फिर से लिख देता हूँ। लास्ट दिस वन, एट्थ वन ना, हाँ, तो एट्थ को गैस करो जरा क्या होगा, यह है लैंडस्लाइड, LANDSLIDE। आपने देखा होगा कई बार बहुत बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, वहां से क्या होता है, पूरा का पूरा पहाड़ एक तरीके से धसक जाता है, मींस गिरना स्टार्ट हो जाता है, आधा मींस कुछ पार्ट उसका जो रहता है, और वो मलबा जो रहता है, नीचे कार्स वगैरह खड़ी रहती है तो उस पे गिरने का खतरा रहता है, वो लैंडस्लाइड कहलाता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 38। जैसे ये देख रहे हो ना, ये वाला जो डायग्राम फर्स्ट वाला अगर आपको दिख रहा हो, ये रोड वाला, तो ये देखो रोड पूरी ऐसी गिर गई, ये भी लैंडस्लाइड का ही एग्जाम्पल है बच्चों। इस तरह से हुआ चैप्टर नंबर 38 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 39 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, कुछ भी आपको हेल्प मिली हो तो। इसके अलावा मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे चैप्टर्स की वीडियोस आने वाली हैं, सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। एक प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स है, उसमें बड़े आराम से आप कवर आउट कर सकते हो, है ना, सब कुछ मिलेगा, बस साथ बने रहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।